हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वाटर एनिमल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जानेंगे कि वाटर एनिमल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी एनिमल है। इसकी लंबाई 100 फीट और वज़न 2 लाख किलोग्राम तक होता है। शार्क सबसे खतरनाक मछली होती है। इसके दांत काफ़ी तेज होते हैं। इनके दांत जीवन भर गिरते रहते हैं। शार्क मछली की पीठ पर एक फिन होता है जो कि बहुत ही नुकीला होता है। सी टर्टल को समुद्री कछुआ भी कहते हैं। सी टर्टल एक प्रकार का रेप्टाइल होता है। इसका सेल काफ़ी हार्ड होता है। सांस लेने के लिए इन्हें सरफेस पर आना पड़ता है। सी स्नेक काफ़ी विषैला सांप होता है। इसकी पूंछ चपटी होती है जिससे कि इसे तैरने में मदद करती है। सी स्नेक की लंबाई काफ़ी होती है और ये कई रंगों में पाया जाता है। सेल्ट वाटर क्रोकोडाइल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा रेप्टाइल होता है। इस रेप्टाइल को अपने एग्रेसिव बिहेवियर के लिए जाना जाता है। एडल्ट की लंबाई 20 फीट तक होती है। मैनेटी अपने बड़े शरीर और स्लो स्पीड से चलने के लिए जाना जाता है। इसे समुद्री गाय भी कहते हैं और यह शाकाहारी होता है। सील बड़े शरीर वाले मैमल्स होते हैं जो मछली खाते हैं। ये कुछ टाइम समुद्र में रहते हैं और कुछ टाइम जमीन पर। सील इन्हें फिश ईटर भी कहा जाता है। सी हॉर्स एक प्रकार की छोटी मछली होती है। इसकी पूंछ मुड़ी हुई होती है और इसकी पूंछ जो मुड़ी हुई होती है वे ग्रिप बनाने के काम आती है। इन मछलियों में मेल अंडे देते हैं। सी हॉर्स। ऑक्टोपस की बॉडी काफी सॉफ्ट होती है। इन एनिमल्स के पास वातावरण के अनुसार रंग बदलने की एबिलिटी होती है। ऑक्टोपस इनकी 8 टांगे होती हैं। वॉलरस भी सील की तरह ही दिखते हैं। इनका आकार काफी बड़ा होता है। इनके 2 बाहरी दांत होते हैं जो काफी बड़े होते हैं। वॉलरस ये अपने भारी शरीर के कारण जाने जाते हैं। वॉलरस। हर्मिट क्रैप यह केकड़े की एक प्रजाति होती है और यह दूसरे एनिमल्स से बहुत छोटे होते हैं और ये सेल में रहते हैं। इन्हें काफ़ी प्रकार की डिशेस बनाने के काम में लाया जाता है।
हर्मिट। एक्सले लॉट, एक्सले लॉट। एक्सले लॉट की प्रजाति हमेशा पानी में ही रहती है, ये जमीन पर कभी नहीं आते और ये काफी रंगों में पाई जाती है। एक्सले लॉट। सी लायन, सी लायन। सी लायन भी सील जैसे दिखने वाले मैमल्स होते हैं, ये अलग अलग आवाजें निकालते हैं। सी लायन। लॉबस्टर, लॉबस्टर। ये बहुत ही प्राचीन जीव हैं, ये लाखों सालों से पाए जाते हैं। इनकी 8 टांगें, 2 पंजे होते हैं, ये अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। ये जीव अपने अंगों को रीजर्नेट करने के लिए जाने जाते हैं। लॉबस्टर। डॉल्फिन, डॉल्फिन। डॉल्फिन बहुत ही इंटेलिजेंट मैमल है, ये सोशली व्यवहार के लिए जानी जाती है और इसका बिहेवियर काफी प्लेफुल होता है। डॉल्फिन। सी ऑटर, सी ऑटर। सी ऑटर सबसे छोटे मैमल्स होते हैं, इनकी स्किन पर काफी घने फर लगे होते हैं, ये काफी सोशल और प्लेफुल होते हैं। इनको समुद्री ऊद बिलाव भी कहा जाता है। सी ऑटर। जेली फिश, जेली फिश। जेली फिश भी काफी प्राचीन जीव है, ये डायनासोर से पहले के जीव हैं। इनको जेली फिश कहते हैं, लेकिन ये मछली नहीं होती। जेली फिश। सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर। ये प्लैनेट नहीं होते बल्कि एनिमल्स होते हैं। इनकी स्किन काफी कोमल होती है, इनका शरीर लंबा होता है, लेकिन ये डिश बनाने के काम में आती है। सी कुकुम्बर। ये ईल, ईल। ईल का शरीर सांप जैसा दिखता है, ये एक प्रकार की मछली होती है जो मीठे पानी और खारे पानी में रहती है। ईल। सांप जैसी दिखने वाली मैमल्स होती हैं, ईल्स। एशियन वाटर मॉनिटर, एशियन वाटर मॉनिटर। बड़ी प्रकार की मछलियां होती हैं, इनकी लंबाई 7 फीट से भी अधिक हो सकती है, ये तैरने में काफी सक्षम होती हैं। स्टिंगरे, स्टिंगरे। स्टिंगरे एक मछली होती है जो अपनी चपटी और डायमंड शेप के लिए जानी जाती है। इसकी पूंछ पर एक विषैला डंक होता है। बीवर, बीवर। बीवर सेमी आकार का मैमल्स होता है, ये पेड़ों और पानी दोनों जगह रहता है। ये अपने डांस के लिए भी जाना जाता है। ये मैमल्स शाकाहारी होते हैं। बीवर। सी एनेमनी, सी एनेमनी। ये फूल के आकार का एनिमल्स होता है, ये कई रंगों में पाए जाते हैं। सी एनेमनी। सी एनेमनी काफी ब्यूटीफुल एनिमल्स होते हैं।
स्लेमोन मछली मीठे पानी में पैदा होती है और मैच्योर होने के लिए समुद्र में चली जाती है और अंडे देने के लिए वापस मीठे पानी में इन्हें आना पड़ता है। स्लेमोन। पिराना मीठे पानी की मछली होती है। इसके शार्प दांत होते हैं। इसके जबड़े काफ़ी मजबूत होते हैं। पिराना काफ़ी एग्रेसिव मछली होती है। पिराना प्रॉन मीठे पानी और खारे पानी दोनों में पाए जाते हैं। इनका लंबा शरीर होता है और मुड़ी हुई पूंछ होती है। इनकी कई प्रकार की डिशेस बनाई जाती हैं। प्रॉन सी अर्चिन का आकार बॉल जैसा गोल होता है और इनके शरीर पर काफ़ी कांटे होते हैं और ये काफ़ी रंगों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये ब्लैक कलर में होते हैं। सी अर्चन स्टार फिश को सी स्टार भी कहते हैं। ये अपने अंगों को रीजर्नेट करती है। ये मछली नहीं होती। ये कई रंगों में पाई जाती है। स्टार फिश जो देखने में स्टार की तरह होती है। स्टार फिश। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।